साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास के मार्ग पर चल रही है। विकास के हमारे मंत्र का मूल है सबका साथ सबका विकास, और एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो उनमें क्षेत्रीय अस्मिताओं आकांक्षाओं के लिए पूरा स्थान है, रीजनल एस्पिरेशंस को और मजबूती देते हुए भारत की एकता और श्रेष्ठता के लिए काम करना भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का ध्येय है। वहीं जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसमें भारत के हर नागरिक हर क्षेत्र का पूर्ण विकास समाहित है। सबका विकास भी सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि सभी का साथ लेकर जन भागीदारी से करना है, और यही हमारा अप्रोच है, हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, यही हमारी कार्य संस्कृति है, और ये आगे भी रहेगी। साथियों, अपने इसी प्रयास को हाल में सरकार ने और विस्तार देने की कोशिश की है। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आरक्षण नहीं है बल्कि उन युवा आकांक्षाओं को नया आयाम देने की कोशिश है जिनको गरीबी की वजह से अवसर नहीं मिल पाते थे। भाइयों और बहनों, बाबा साहब आंबेडकर द्वारा रचित संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी, और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो आगे भी रहने वाला है। लेकिन अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात करते हुए सामान्य वर्ग के गरीब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भूतकाल में इसकी कोशिशें भी हुई थी लेकिन इतिहास पर बहस में उलझने रहने के बजाय हमें आगे के समाधान तलाशना जरूरी था, और इसलिए पहले से जिनको आरक्षण की सुविधा मिल रही थी उनके हक को छेड़े बिना छीने बिना भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, शिक्षा में 10% वृद्धि भी की जाएगी। भाइयों और बहनों, यानी शिक्षा में जो आज सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। बहनों और भाइयों, सब कुछ इसी से ठीक हो जाएगा ये दावा न मैंने कभी किया है और न मैं करता हूं, लेकिन ये भी एक रास्ता है जो सामान्य वर्ग के गरीबों को अवसर की समानता की तरफ ले जाता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को
इस व्यवस्था के पीछे के भाव और उसके लाभ पर समाज के भीतर व्यापक चर्चा करनी चाहिए। मैं फिर बता दूं कि समाज के किसी भी वर्ग को वंचित किए बिना, किसी के हक को कम किए बिना ये नई व्यवस्था की गई है। मुझे पता है कि कुछ लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में भ्रम फैलाकर असंतोष की आग लगाते रहे। हमें उनकी साजिशों को भी नाकाम करते चलना है।